नमस्कार दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आप सभी का मौसम यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं राजस्थान में मौसम विभाग को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट, राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। मौसम विभाग को लेके राजस्थान मौसम विभाग ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी की है। तो दोस्तों, कौन सी बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है राजस्थान मौसम विभाग को लेके, किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत भारी मात्रा में बारिश होने की संभावना बताई जा रही है? तो दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग द्वारा जारी की गई इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि आने वाले 10 दिनों तक राजस्थान में बहुत ही भारी बारिश होगी। राजस्थान के किन किन जिलों के अंतर्गत भारी बारिश होगी और कब कब बारिश होगी, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, ये 19 जुलाई 2019 की अपडेट है। 19 जुलाई से 29 जुलाई तक भारी मात्रा में बारिश की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। तो मौसम विभाग को लेके हाई अलर्ट जारी कर दिया है। काफी क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंतर्गत बाढ़ के हालात बनते नजर आ रहे हैं। किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक न्यूनतम से अधिक वर्षा होगी, जहां पे काफी ज्यादा परेशानियां होंगी। इसी के साथ दोस्तों, बारिश आते ही किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ चुकी है। इसका कारण है क्योंकि किसान जो है अपनी फसल पर निर्भर रहता है और फसल के लिए समय पर बारिश या पानी चाहिए, तो बारिश आने से किसान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। अगर आप भी एक किसान हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं कि आप भी कितना प्रसन्न है। इसी के साथ दोस्तों, इसी प्रकार की मौसम विभाग से संबंधित पल पल की अपडेट अगर आप हमारे YouTube चैनल पहले देखो पहले सीखो के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा, छोटा सा आग्रह करूंगा। इसी तरीके की जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पे फ्री में अपने मोबाइल फोन में देखना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा के दोस्तों इस तरीके से ब्लैक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े। इसके साथ ही दोस्तों, सब्सक्राइब के राइट साइड में आपको एक छोटे से घंटे या बेल का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के इस तरीके से ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर लें। इससे ये होगा, जैसे ही कोई भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आती है, उसका वीडियो आप हमारे चैनल पहले देखो पहले सीखो के माध्यम से सबसे पहले बिल्कुल सटीक जानकारी देख पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है और आप एक किसान है तो इस वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी जानकारी और बिल्कुल सत्य जानकारी आपके सामने लेके आ सकूं। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, मिलने वालों, किसान भाइयों के बीच शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारे चैनल के साथ जुड़ के मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले फ्री में देख पाए। तो चलिए, क्या बड़ी अपडेट आ रही है मौसम विभाग को लेके, कौन सी बुलेटिन खबर हमारे सामने निकल के आ रही है, उसका करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत बात। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल लाइव पुख्ता सबूतों के साथ ही वीडियो बनाता हूं, किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूं। और अगर आप इसी तरीके की मौसम की खबर हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप मौसम खबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वहां पे हमारे मौसम की संपूर्ण जानकारी आप देख पाएंगे। जिस भी स्टेट या जिस भी जिले से आप देख रहे हैं, जिस भी राज्य से देख रहे हैं, तो आप अपने राज्य का नाम जरूर बताएं ताकि मेरे को भी पता चले कि हमारे वीडियो किन किन क्षेत्रों में देखी जा रही है, ताकि मैं अदर स्टेट की भी आपको प्रोवाइड करा पाऊं कि इन स्टेटों में कब कब बारिश होगी, क्या मौसम का पूरा अनुमान बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में राजस्थान के जिलों की बात करने वाला हूं, राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में बारिश होगी। हमारे पास आप यहां पे देख सकते हैं दैनिक भास्कर की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मौसम पलटा मौसम, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, बूंदी और गंगानगर में बरसे बादल। तो दोस्तों, देख सकते हैं राजस्थान के चूरू जिला, झुंझुनू, सीकर, अलवर, बूंदी और श्री गंगानगर में मौसम काफी ज्यादा भारी मात्रा में अपना असर दिखा रहा है। इसी के साथ देख सकते हैं आप बीकानेर में भी काफी ज्यादा बारिश हुई है। आप इस इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पे बारिश हुई है। इस इमेज के अंतर्गत आप देख सकते हैं लगभग आधा जो क्षेत्र है ये कवर हो चुका है, यानी कि काफी ठीक बारिश यहाँ पे हुई है। आप देख सकते हैं बारिश में पर्वत सर बस पर भरा पानी। पूर्वी राजस्थान के 11 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी यहां पे मौसम विभाग द्वारा जारी की है। आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के जो भी 11 जिले हैं, उन सभी जिलों में भारी बारिश की
चेतावनी यहाँ पे जारी की है। जैसे यहाँ देख सकते हैं पूर्वी क्षेत्र, उसके बाद आप यहाँ पे बारिश से किसानों के चेहरे खिले। तो दोस्तों बारिश से किसान जो है बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि उनकी फसल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इसको देखते हुए किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है कि आने वाले 10 दिनों तक भारी बारिश की आशंका यहाँ पे बताई जा रही है। दैनिक भास्कर की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। 18 जुलाई 2019 को लगभग 3:30 बजे, 3:15 बजे के समथिंग की अपडेट है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं जयपुर से रिपोर्ट आ रही है, राजस्थान में 10 दिनों के अंतराल के बाद मौसम फिर बदल चुका है। अब आने वाले 10 दिनों में काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में भारी बारिश बताई जा रही है। किन किन क्षेत्रों में तेज़ बारिश होगी तो आप देख सकते हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, बूंदी, श्रीगंगानगर और नागौर महलकी में तेज बारिश हुई। आप जिस भी क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उस क्षेत्र की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से चाहते हैं तो आप उस राज्य या जिले का नाम जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्षेत्र की मौसम की जानकारी आपको प्रोवाइड करा पाऊं। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के अजमेर, अलवर, भरतपुर सहित 11 शहरों में भारी बारिश की येलो चेतावनी जारी की है। येलो चेतावनी दोस्तों दो प्रकार की चेतावनी होती है, रेड चेतावनी और येलो चेतावनी। रेड चेतावनी बाढ़ की स्थिति में जारी की जाती है, जब सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी कि जिस स्थिति में बाढ़ आने की संभावना होती है। और येलो चेतावनी उस कंडीशन में जारी की जाती है जब न्यूनतम से अधिक वर्षा हो, यानी कि बाढ़ और न्यूनतम के बीच की जो, मतलब जिसे हम, एक तो होता है गुड, एक वेरी गुड और एक एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट जो होता है वो रेड कैटेगरी में आता है, यानी कि बाढ़ की स्थिति में, और वेरी गुड जो होता है आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो वेरी गुड की कैटेगरी में येलो चेतावनी आती है, और जो खाली चेतावनी आती है या जिसे हम व्हाइट चेतावनी बोलते हैं वो आती है गुड की स्थिति में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान के 11 शहरों में येलो चेतावनी जारी कर दी है, यानी कि बारिश जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। बुधवार को अलवर, पिलानी, सीकर और चूरू में बरसात हुई थी, इससे टेम्परेचर में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से बहुत ही ज्यादा राहत मिल पाई है। सीकर में 6 साल बाद सावन माह की शुरुआत बरसात के साथ हुई, यह 11.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। यानी कि आप देख सकते हैं सावन का महीना लग चुका है, सावन में देख सकते हैं सावन की शुरुआत बारिश से हुई है, तो आप लगा सकते हैं पूरे सावन कितनी ज्यादा यहाँ पे बारिश होने वाली है राजस्थान में। जयपुर में पिछले कुछ दिनों में बादल छाए हुए हैं, जो अब सावन के महीने के अंतर्गत काफी ज्यादा बारिश की यहाँ पे संभावना बता रहे हैं। बुधवार को यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई, यहाँ गुरुवार को 11 बजे टेम्परेचर 32 डिग्री रहा। अब उसके बाद देख सकते हैं येलो चेतावनी कहाँ कहाँ पे जारी की है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ बारिश की येलो चेतावनी, मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कहीं चेतावनी अभी जारी नहीं की गई है। तो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जो है मानसून पहुंच चुका है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है इस तरफ आ रही है, जिससे राजस्थान के देख सकते हैं किन किन क्षेत्रों में, मैंने आपको बताया अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर के साथ साथ सीकर और टोंक में भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पे जारी कर दी गई है। बीकानेर में रहा सबसे अधिक टेम्परेचर, दोस्तों बीकानेर में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहा, जिसको देखते हुए रात तक काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी थी। राजस्थान में करीब 10 दिन बाद बादलों के छाने और कुछ स्थानों पर बरसने से टेम्परेचर में 4 डिग्री गिरावट आई है। बुधवार को राज्य में कहीं भी अधिकतम टेम्परेचर 40 डिग्री नहीं रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में बीकानेर सबसे गर्म स्थान रहा। वैसे राजस्थान में सबसे गर्म स्थान की बात करें तो चूरू नाम आता है, आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन कल की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे गर्म स्थान बीकानेर रहा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री था। सबसे अधिक टेम्परेचर बीकानेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बीती रात सबसे अधिक तापमान भी बीकानेर में 31.2 डिग्री रहा। सबसे कम तापमान माउंट आबू में 20 डिग्री रहा, और इसके बाद जोधपुर में टेम्परेचर जो है 29.7 डिग्री रहा। वही जयपुर की बात करें तो जयपुर में टेम्परेचर 28.7 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई है और कितनी कितनी बारिश हुई है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो अलवर के अंतर्गत 17.0 मिलीमीटर, पिलानी में 5.7 मिलीमीटर, सीकर में 11.8 और चूरू में
21.2 मिलीमीटर बारिश यहाँ पे हुई है। उसके बाद पर्वत सर में आधा घंटे बहुत ही तेज बारिश हुई। नागौर के पर्वत सर में भी मेघ मेहरबान हुए। यहाँ दोपहर 2 बजे आधा घंटे झमाझम बारिश हुई। कई दिनों से गर्मी से परेशान और फसलों से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो फसलों के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि इससे लोग परेशान भी हुए हैं, बस स्टैंड पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से वहाँ पे बाढ़ सा हालात बन गया है, यानी कि चारों तरफ पानी भर चुका है। इस बारिश को फसलों के लिए अमृत सा माना जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी टेम्परेचर बढ़ रहा था, इससे फसलों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। फसलों के लिए एक तरह से अमृत सा यहाँ पे कहा गया है। कई लोगों ने अच्छे मौसम को देखकर पिकनिक का मन भी बनाया। लेकिन दोस्तों, पिकनिक के लिए मैं आपको बता दूं, अभी आप वेट करें, क्योंकि अभी सावन की शुरुआत हुई है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है इस साल। यहाँ पे मौसम विभाग ने बहुत ही अच्छी यहाँ पे खबर बताई है कि इस बार जो है लगभग अधिकांश क्षेत्रों में सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी। तो आप थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद आप पिकनिक जरूर मनाएं, हम भी जाएंगे पिकनिक के लिए। उसके बाद आप टेम्परेचर देख सकते हैं बीती रात कितना कितना टेम्परेचर रहा किस किस जिले के अंतर्गत। तो अजमेर में 27.4, भीलवाड़ा में 26.8, अलवर में 24, जयपुर में 28.7, कोटा में 28.2। उसके बाद हम बात करें तो जोधपुर के अंतर्गत 29.7, बीकानेर में 31.2, चूरू में 24.1 और गंगानगर में 26.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान में मौसम विभाग की जानकारी। आप देख सकते हैं राजस्थान के मौसम विभाग द्वारा येलो चेतावनी जारी कर दी गई है इन सभी जिलों के अंतर्गत। अगर आप किसी भी क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, अगर उस क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं मौसम विभाग की, तो दोस्तों अभी कमेंट बॉक्स में नीचे जाएं और इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे अपने राज्य या जिले का नाम हमें प्रोवाइड कराएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वहां की जो भी मौसम की जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करा पाऊं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से खुश हैं और आपको लगता है कि ये जो बारिश है राजस्थान के किसानों के चेहरों पर बहुत ही अच्छी खुशी लेके आई है, तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए अभी इस वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े, साथ में बेल के आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे मौसम यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।